तो दगड़ियों हम जा रहे हैं देहरादून से लेंस डाउन। ये है द मॉल ऑफ देहरादून। भाई साहब बहुत बड़ा मॉल बन रहा है भाई। तो माता की कितनी बड़ी मूर्ति है भाई, अलग ही चमक रही है। गुलदार प्रभावित क्षेत्र, कृपया सावधान रहे, भागो। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों हमें देख के काफी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी, जिसे देख के हमारी फट रही है। पॉइंट गन में कहीं लॉबी सामान निकालो अपना अपना। अगर आप आज बुकिंग करवाओगे कि आपको यहाँ पे भंडारा करवाना है, तो करीब 5 साल की बुकिंग ऑलरेडी रहती है, यानी आपका नंबर आएगा 5 साल बाद, समझ रहे हो। ये चेक करेगा इस अब। तो ये देखो जी, काफी सुंदर सा, काफी प्यारा सा रूम है। इस रूम की बालकनी, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी यहाँ पे बालकनी होगी, तो टेंट में बालकनी होगी। तो ये देखो, और ऊपर से बालकनी से भी बहुत प्यारा व्यू। क्या बात है, क्या बात है। तो दगड़ियों स्वागत है, ठंडी कितनी हो रही है। तो जी स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में और हमारे इस नए एडवेंचर में। एडवेंचर बोले तो आज अपन लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने एक हिल स्टेशन को। अब वैसे उत्तराखंड की बात होती है ना, तो हिल स्टेशन जो सबसे कॉमन हिल स्टेशन है जहाँ पे सारे लोग आते हैं, वो मेनली मसूरी है, धनौल्टी है। लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं देहरादून से लेंस डाउन। तो काफी सुना है इस जगह के बारे में, तो चलिए चल के देखते हैं आज यहाँ पे कैसा रहता है। वैसे सच बताऊं तो एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे हैं, मुझे कुछ काम था तो इसलिए जा रहे हैं, लेकिन चलो लगे हाथ तो एक्सप्लोर भी कर लेंगे। वैसे एक्सप्लोर मैं पहले भी कर चुका हूँ, दिस इज माय सेकंड टाइम आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लेंस डाउन। बाकी भाई जरा ये मौसम देखो यार, ये सर्दियों का मौसम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब इतना ज्यादा हेज है, इतना ज्यादा फॉग है कि भाई कुछ दिखता ही नहीं है। हमारे सूरज देवता तक नहीं दिख रहे हैं तो पहाड़ कैसे दिखेंगे। और आपको पता ही है हम तो पहाड़ के चाहने वाले हैं, तो इसीलिए ना मुझे सच में मतलब स्नोफॉल है तो ठीक है, अदरवाइज यार ये सर्दियों का मौसम बहुत ज्यादा हेजी, आई रियली डोंट लाइक इट। बाकी आप लोग को कौन सा वेदर लगता है अच्छा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं अपना बताऊं तो मुझे तो भैया मॉनसून लगता है बहुत झकास, क्योंकि मॉनसून एक ऐसी चीज है ना भाई, मतलब पलट देता है भैया, वक्त पलट देता है, जज्बात पलट देता है, समझ रहे हो, मॉनसून का ऐसा वेदर। बाकी ठीक है, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ टुवर्ड बल्लूपुर। बल्लूपुर से मुझे अपने भाई को उठाना है क्योंकि वो ही मेरे साथ जा रहा है इस ट्रिप में। अबे अंकल पीछे भी देख लो, हाथ दे दिया किसी तक घुस जाओगे क्या? हाथ दे रहे भैया, पीछे तो देखो, पर हाथ दे रहे हो पीछे कौन देखेगा, गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। ओके आई थिंक मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन यार फिर भी ना यार, मैंने देखा है मतलब लोग हाथ देते हैं और सीधा मुड़ जाते हैं, देखते हैं नहीं पीछे। ऊपर से मेरी गाड़ी थी, वो गाड़ी के आगे से निकले और मैं तेज होता वो तो मैं हल्के था तो बच गए, अगर तेज होता तो सीधा घुसता ना। अपनी लाइफ भी रिस्क में डालते हैं और दूसरों की लाइफ भी रिस्क में डालते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, चिल्लाना नहीं ठीक है, चोट नहीं लगी बस यही मैटर करता है। तो जी अपने भाई को उठा के हम निकल चुके हैं देहरादून से टुवर्ड्स लेंस डाउन। एंड अगर आप लोग को बताऊं तो इसकी दूरी है करीब करीब 150 किलोमीटर्स। यस यू हर्ड इट राइट, 150 किलोमीटर। तो करीब 3 घंटे हम लोग को लगेंगे और इसका रूट देहरादून से होते हुए हरिद्वार टुवर्ड्स कोटद्वार एंड देन लेंस डाउन। एंड जरा हमारे लेफ्ट साइड में देखिए जरा, ये है द मॉल ऑफ देहरादून। भाई साहब बहुत बड़ा मॉल बन रहा है भाई, तो वहां से लेके वहां तक, तो विदाउट एनी डाउट ये अपने देहरादून का शायद सबसे बड़ा मॉल बनने वाला है। ये देखो भाई द मॉल ऑफ देहरादून, नाइस। बाकी चलिए इसी बात पे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दगड़ियों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल ट्रैवल ब्लॉग में। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, हरिद्वार रोड इतनी ज्यादा बढ़िया बन चुकी है ना कि हम देहरादून से करीब 40 मिनट में हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये रही जी अपनी गंगा जी जो कि जाती है अपनी हर की पैड़ी, वो सामने वहां पे हर की पैड़ी है। एंड जस्ट बगल में देखो शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति है भाई साहब, ओम नमः शिवाय। ये देखो भाई, पता नहीं आप लोग को दिख रही होगी दिख रही होगी, लेकिन वो देखो बड़ी सुंदर है। यहाँ पे देखो एक और कैनाल है और वो रहा सामने अपना हर की पैड़ी। जाएंगे हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट टुवर्ड्स बिजनौर, और अगर स्ट्रेट चल जाएंगे तो दिल्ली 203 किलोमीटर, लेकिन हम लोग लेंगे यहाँ से टुवर्ड्स लेफ्ट। अरे कहाँ गया लेफ्ट, ओए कहाँ गया, अच्छा आगे आगे, मैं डर गया, मैंने कहा भाई बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा। तो ये आगे जी हम चंडी चौराहे में,
एंड अगर यहाँ से राइट ले लेंगे ना तो पहुंच जाएंगे हर की पैड़ी, लेकिन हम लोग लेंगे यहाँ से लेफ्ट टुवर्ड्स नजीबाबाद एंड वहां से निकलेंगे टुवर्ड्स कोटद्वार। और यहाँ पे रुक के भी मैं आप लोग के दर्शन करवाता हूँ गंगा जी के। हाँ ये देखो ना भाई, फॉग देखो ना कितना ज्यादा हो रहा है, फॉग भी क्या बोलूं, हेज। बाकी देखो ये रही सामने अपनी गंगा जी, इस टाइम पानी कितना ज्यादा कम है, लेकिन बरसात में भाई ये पूरा भर जाता है पानी से ना। गंगा जी का पानी गर्मियों में इतना ज्यादा ठंडा रहता है ना, इस टाइम तो पता नहीं क्या होगा भाई, तुम अंदर घुसोगे बर्फ की सिल्ली बन के बाहर निकलोगे। और ये देखो जी अपना तिरंगा क्या लहराता हुआ, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी एक बहुत ही कमाल की चीज दिखी है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। वो देखो जी माता की कितनी बड़ी मूर्ति है, बाप रे बाप। अभी सामने से दिखाता हूँ आप लोग को भाई, दूर से अलग ही चमक रही थी। रुक के दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। ये देखो जी कितनी बड़ी मूर्ति है, अलग ही चमक रही है दूर से। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है, और शिव जी भी है देखो खड़े हुए, देख है ना कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा बना रखा है भाई साहब। ये है जी अपना हरिद्वार, हर जगह आपको देवी देवता देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रुके क्या, थोड़ा कमर कमर सीधी कर लेते हैं। गुंडार वाला चीज, अरे भैंस की क्या करे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, नाना यहाँ रुक रहे भाई, गुलदार प्रभावित क्षेत्र कृपया सावधान रहे। नाना यहाँ तो रुकना ही नहीं है। वाह, मैंने कहा रुकते यहाँ पे कमर सीधी करते हैं, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था बड़ा, गुलदार प्रभावित क्षेत्र की भागो। लेकिन ये सड़क अच्छी लग रही ना, बड़ी मस्त सड़क है, पैरों से कवर्ड है दोनों तरफ, अच्छा लग रहा है। यही सोच के मैंने रुकने का प्लान बनाया, लेकिन ये क्या हुआ। तो जी ये आ चुका है अपना कट, ये है हमारी ईस्ट कैनाल गंगा रोड। तो यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट, अपनी कैनाल के साथ साथ चलेंगे। अगर सीधा जाएंगे तो ये रास्ता भी जाता है अपना, बट थोड़ा लंबा है, तो ये शॉर्टकट है, तो इसलिए ये शॉर्टकट लेते हैं गंगा जी कैनाल के साथ साथ। चाय पी लिया। तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ईस्ट कैनाल गंगा रोड, मैं दिखाता हूं अभी आप लोग को। ये देखो जी ये है अपनी गंगा जी कैनाल, ये है वो कैनाल, बाकी पानी बहुत ज़्यादा कम है फिलहाल। अभी यहाँ पे रुके हम लोग चाय वगैरह पीने के लिए, करीब 80 किलोमीटर हम लोग चल गए हैं, तो एक चाय तो डिजर्व करते हैं ना। सीधी बात, नो बकवास, खाली बैठ कर सुबह नष्ट ना करें, चाय पिए कुल्हड़ वाली बढ़िया करके। तो यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ बन रहे हैं पकौड़े, अभी अभी खाली बैठे लेकिन क्या करें, वेट तो करना ही पड़ेगा। वैसे रुके हम लोग चाय पीने के लिए थे, लेकिन पकोड़े और ब्रेड पकोड़ा देख के ना भाई मन फिसल गया, तो वो भी पेल गया। लेकिन हाँ बढ़िया जगह थी, अगर आप भी कभी ये ईस्ट कैनाल गंगा रोड से गुजरोगे तो यहाँ पे रुक के चाय का आनंद ले सकते हो, काफी बढ़िया था। और वैसे ना मेरा मन था कि यहाँ पे रुक के ड्रोन उड़ाऊं, लेकिन भाई बंदर यहाँ के इतने खतरनाक है ना, कहीं ड्रोन उठा के ले गए मेरा, इसलिए मैंने वो प्लान स्किप करा। बाकी देखते हैं आगे कोई जगह दिखती है तो उड़ा के देखते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे रुके थे कैनाल साइड में, देखो आप लोग व्यू देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों हमें देख के काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई, जिसे देख के हमारी फट रही है, तो इसीलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी जल्दी से। अरे भयंकर की, अबे ये भी निकल गया, पर मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे ना खड़े होकर भैया, अभी देखते हो ना तुम भयंकर की, हमें मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाने के लिए रुका और भयंकर चार पाँच गाड़ियाँ रुक गई यहाँ पे, और उधर एक कार हमारी फट गई, हम दोनों अकेले यहाँ पे पॉइंट गन में, कहीं लाओ भी सामान निकालो अपना अपना। मैंने कहा पहाड़ में जाए, ड्रोन भी ढंग से नहीं रखा, देखो ड्रोन भी कैसे रखा। ये देखो ड्रोन भी फेंक देने का, पहाड़ में जाए जल्दी जल्दी चले यहाँ से, पर वो चले गए तो एक बार ढंग से पैक कर देते हैं। रुको एक मिनट भाई, मजाक से हट के ना सच में हालत खराब हो गई थी, ऐसी फीलिंग आ रही थी उन लोग को देख के, वो मिर्जापुर में नहीं आते वो पंखी पंखी लपेट के पैंकर तीन चार बाइक में बैठ के, ले गन निकाल के चलो सामान निकालो, अरे भाई लूट लिया हमें। बाकी चले गए अब तो यार, तो ठीक है फिर भाई। लेकिन नीचे पानी देखो ना कितना साफ है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा, दिख रहा होगा एकदम क्लियर, बॉटम दिखाई दे रहा है एकदम बढ़िया करके, बट पानी बहुत कम है, वरना यहाँ यहाँ तक रहता होगा पानी इसमें ना। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से, इससे पहले फिर कोई और आ जाए भागो। बाकी ठीक है यार, जब तक हम गाड़ी मोड़ते ना आप लोग ड्रोन शॉट्स इन्जॉय करो, क्योंकि ड्रोन मैंने उड़ाई दिया था।
आखिरकार वो केनाल रोड से हम आ चुके हैं अब कोटद्वार के मेन हाईवे में। तो देखो आगे ट्रक देखो ना भाई, फुल लोडेड है एंकर। ये देखो ये इतना भर रखा ना, अब आगे देखो, आगे और डबल है। वो देखो एंकर की ट्रक ही नहीं दिख रहा भाई, गन्ने गन्ने दिख रहे भाई साहब। और ट्रैक्टर है, मुझे लगा था ट्रक है, ट्रैक्टर लेके जा रहा है। बताओ एंकर की वो नहीं होते एंकर की, वो अफ्रीकन नहीं होते वाले बाल वाले, वैसे लग रहा। नगरी कोटद्वार में आप सभी का स्वागत है। तो जी यहाँ से एंटर हो चुके हैं हम लोग कोटद्वार एंड अपने उत्तराखंड में। अभी तक ना हम लोग नजीबाबाद के एरिया में थे, यानी यूपी में। कोटद्वार इज लाइक ना देहरादून, एंड इनके पास भी जैसे देहरादून के पास, देहरादून सिटी के पास अपना मसूरी है, वैसी कोटद्वार के पास अपना लैंसडाउन है। तो जी अगर कोटद्वार आए हैं तो यहाँ पे आपको सिद्ध बलि धाम के दर्शन कराना बेहद जरूरी है। जो आप लोग को पीछे मेरे दिखाई दे रहा है ना, वो अपना सिद्ध बलि धाम है। एंड इसकी मान्यता को लेके मुझे एक बात पता है कि यहाँ पे ना रोज भंडारा होता है। अगर आप आज बुकिंग करवाओगे कि आपको यहाँ पे भंडारा करवाना है, तो करीब 5 साल की बुकिंग ऑलरेडी रहती है, यानी आपका नंबर आएगा 5 साल बाद, समझ रहे हो। तो इससे आप इसकी मान्यता का अंदाजा लगा सकते हो। तेरे को लाइन तो नहीं है ना, खाने की लाइन नहीं होगी, लेकिन हाँ भंडारा करवाने की लाइन है। बाकी ठीक है, ड्रोन शॉट लेते हैं एंड आप लोग को दिखाते हैं। तो ड्रोन शॉट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, बाकी कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैंने आप शायद आप लोग को बताया नहीं, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है। तो अब यहाँ से सिद्ध बलि धाम के बाद जो है अपने पहाड़ हमारे शुरू हो जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हो। अब चढ़ाई शुरू हो गई है एंड सामने आप लोग को पहाड़ भी अब दिखाई दे रहे होंगे। तो अब यहाँ से लैंसडाउन करीब 40 किलोमीटर है, तो बस 40 किलोमीटर हम लोग को तय करना है एंड हम लोग पहुंच जाएंगे समसारा एंड समस्कारा। जी हाँ, जिस रिजॉर्ट के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये उसी का नाम है। तो आज का स्टे हमारा यहीं पर है, बाकी चलिए देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लैंसडाउन से करीब 8 किलोमीटर पहले हैं एंड ये व्यू जरा चेक करें आप भाई साहब, वहाँ क्या चीड़ के पेड़ है। तो सुंदर लग रहा है ये, पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है, लेकिन सामने से तो भाई बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग लैंसडाउन पहुंच नहीं वाले थे, लेकिन चलते चलते हमें एक मस्ती चीज दिखाई थी, तो गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी करी एंड हम लोग यहाँ पे चढ़ गए एंड अभी वहाँ पे जाने का प्लान है। मतलब यहाँ से ना बहुत सुंदर व्यू दिख सकता है पूरा अपना लैंसडाउन का। बाकी रुको एक मिनट, जाना कैसे, आराम से चढ़ना नीचे मत जाना, कहीं वादियों में खो गए भाई। इधर चढ़े इधर से मेरे ख्याल से, तो ओके तो थोड़ा चैलेंजिंग सा लग रहा है मुझे चढ़ना है यहाँ पे भाई। गिरी मत, कुछ पकड़ने के लिए है नहीं वहाँ पे। और वापस कैसे आएगा नीचे, तो आ जाऊंगा क्या पोज में खड़ा होगा तू भाई भाई नीचे आने में वाट लगेगी। तो भाई ये तो चढ़ गया ऊपर, अब रुको मैं भी चढ़ जाता हूँ। वही सेम पोज है, हाँ पैर ऊपर ही जा रहा था नहीं पता गाइस, हो जाएगा हो जाएगा। एंड आखिरकार टॉप, आप लोग को व्यू दिखाता हूँ यहाँ से भाई। मजाक से हटके बहुत ज्यादा मेहनत लग गई, लेकिन भाई क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से, दिखाता हूँ आप लोग को। ये चेक करे गाइस, अब इधर अपना लेंस डाउन है एंड नीचे का व्यू देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है। थोड़ा हेज हो रहा है वरना बड़ा सुंदर लग रहा है। जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को देखो भाई, नीचे ना यहाँ देखना बहुत गहरी खाई है, यहाँ जाके के देखना। ओह तो आप लोग देख सकते हैं बहुत गहरा है क्या भाई, लोग कूद भी रखे यहाँ से, वहाँ कूद जाते हैं क्या लोग, वापस आने का दिक्कत हो जाएगी भाई। वो नीचे है ये ऊपर है भाई, बट व्यू अच्छा लग रहा है। जो एक खेत में बता रहा था ना आपको टेरेस फार्मिंग जो हो रही है, ये सुंदर लग रहा है। जितने आसानी से हम लोग चढ़े गए थे ना, उससे डबल मेहनत लगी उतरने में। लेकिन भाई एक बात तो क्लियर है, यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखेगा। आई जस्ट होप जिस रिजॉर्ट में मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ से सनसेट दिखे, मजा आ जाएगा भाई। बाकी ये पेड़ देखो ना यार, ये पेड़ तो अल्टीमेटली इतने घने लग रहे हैं ना, ये पेड़ और इतना सुंदर लग रहा है। बाकी चलिए अब चलते हैं यहाँ से समस्कारा एंड समसारा।
तो जी फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके थे लेंसडाउन, उस रिजॉर्ट में जहां पे आज हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो ऐसी कुछ ये प्रॉपर्टी है, इसका नाम है संस्कारा एंड समसारा। तो यहां पे देखो भाई टेंट्स लगे हुए हैं एंड हम रुक रहे हैं उस वाले टेंट में। बाकी रेस्टोरेंट जो है एंड जो मेन बिल्डिंग है वो है वहां पर है। और ये कुछ इनका लॉन है, काफी बड़ा है, यहाँ पे बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको एक बार अंदर का व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, मतलब काफी कोजी सा है। देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे चेयर लगी हुई है कि अपने रूम में से बाहर बैठ गई, आप लोग यहाँ पे मस्त व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड अंदर का मैं अगर आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो जी काफी सुंदर सा काफी प्यारा सा रूम है। लेकिन लेकिन जिस चीज ने मेरा इंटरेस्ट खींचा है वो है इस रूम की बालकनी, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी यहाँ पे बालकनी होगी, तो टेंट में बालकनी होगी। तो ये देखो और ऊपर से बालकनी से भी बहुत प्यारा व्यू है। पीछे देखो चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं एंड थोड़ी देर बाद सनसेट होगा तो अपन को सनसेट भी देखने को मिलेगा यहीं बालकनी से। लेकिन हम लोग सनसेट यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि जो रिजॉर्ट है ना यहीं से थोड़ा सा चल के एक छोटा सा ट्रैक है, वहाँ से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा व्यू पॉइंट बता रहे थे तो वहाँ पे चलेंगे, वहाँ से सनसेट देखेंगे आज का। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं एंड फिर मैं करता हूँ आप लोगों से बात। तो जी अभी हम ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर आए हैं एंड यहाँ से मैं आप लोग को व्यू चेक करवाता हूँ। ये देखो भाई वैसे ना हमने पूरा कंप्लीट नहीं करा ये ट्रैक, अभी यहाँ से और ऊपर जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हम ऊपर जाएंगे ना सन जो है वो सेट हो जाएगा, तो इसे सोच रहे ना कि यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है तो यहीं पर रुक के देखते हैं। वैसे तो बादल हो रहे हैं लेकिन क्या पता अच्छा सनसेट हमें देखने को मिले।